राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और नोएडा में दिवाली के प्रदूषण की वजह से धुंध छा गई और वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखा छोड़ने के लिए 2 घंटे की सीमा तय की थी, लेकिन लोगों ने इसके अलावा भी पटाखे छोड़े। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में दिवाली के बाद हवा बहुत खराब श्रेणी में आ गई है। दिल्ली की हवा में पटाखों की तेज आवाज के साथ ही जहरीला धुआं और राख भर गया और कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर स्तर को पार कर गया। लोगों ने मालवीय नगर, लाजपत नगर, कैलाश हिल्स, बुराड़ी, जंगपुरा, शाहदरा, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, सरिता विहार, हरिनगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, द्वारका सहित कई इलाकों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखे छोड़ने के लिए तय 2 घंटे की समय सीमा का उल्लंघन करके पटाखे छोड़ने की सूचना दी। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी निवासियों ने निर्धारित समय के अलावा भी पटाखे छोड़े। लोग शाम 8 बजे से पहले भी पटाखे छोड़ते दिखे, हालांकि इन पटाखे की आवाज कम रही। सरकारी एजेंसियों के मुताबिक रविवार रात 11 बजे दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता का स्तर 327 पर पहुंच गया, जबकि शनिवार को यह 302 था। सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर ने दिवाली की रात पटाखे जलाने, मौसम में बदलाव और प्रणाली जलाने की वजह से दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुँचने की आशंका जताई है। आंकड़ों के मुताबिक दिन में आनंद विहार में PM10 का स्तर 515 दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर और बवाना में PM2.5 का स्तर 400 के पार चला गया। राजधानी स्थित 37 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 25 ने वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की। दिल्ली के नजदीक स्थित शहरों फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में रविवार रात 11 बजे वायु गुणवत्ता का स्तर क्रमशः 320, 382, 312 और 340 रहा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिवाली के मौके पर दिवाली में वायु गुणवत्ता का स्तर सुरक्षित सीमा से 12 गुना अधिक 600 तक पहुंच गया था।